हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज थेल्स ऑफ माइलेटस। आज हम ग्रीक दार्शनिक थेल्स के बारे में पढ़ेंगे। थेल्स ऑफ माइलेटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइलेटस उस जगह का नाम है जहाँ थेल्स पैदा हुए थे। थेल्स वॉज बॉर्न इन माइलेटस इन आयोनिया एशिया माइनर इन द 16th century BC। थेल्स इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीक फिलोसफी। ये ऐसा माना जाता है कि ग्रीक फिलॉसफी का प्रारंभ कहीं ना कहीं थेल्स से ही हुआ था। एरिस्टोटल वॉज द मेजर सोर्स फॉर थेल्स फिलॉसफी एंड साइंस। थेल्स के दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों के विषय में जितना भी हमें ज्ञात होता है उसका जो मेजर सोर्स है वो थे एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु ने कहीं ना कहीं थेल्स के विचारों को प्रस्तुत किया है। He wrote that Thales was the first to suggest a single material substratum for the universe, namely water or moisture. Therefore, Thales was the founder of the school of natural philosophy. इसलिए क्योंकि Thales ने क्या किया था, Thales ने यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक मटेरियल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया और जो कि 5 तत्वों में से एक है वाटर, और इसलिए उन्हें नेचुरल फिलॉसफी के स्कूल का फाउंडर माना जाता है क्योंकि उन्होंने एक नेचुरल एलिमेंट को यूनिवर्स के एक्सप्लेनेशन का कॉज माना। ही प्रपोज थियोरीज टू एक्सप्लेन मैनी ऑफ द इवेंट्स ऑफ नेचर, द प्राइमरी सब्सटेंस, द सपोर्ट ऑफ द अर्थ एंड द कॉज ऑफ चेंज। उन्होंने अपनी थ्योरीज़ में क्या एक्सप्लेन किया, प्राइमरी सब्सटेंस क्या है, इस अर्थ का सपोर्टर क्या है, या एग्जिस्टेंस कैसे मेंटेन है, या ये जो चेंज होते हैं यूनिवर्स में उसका क्या कॉज है, ये सब उन्होंने अपनी थ्योरीज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थेल्स वॉज अ पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, गुड मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर। ये थेल्स के बारे में जानना सिर्फ एक वीडियो में सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि थेल्स ने अपने पूरे जीवन में ऐसा शायद ही कोई फील्ड होगा जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट कंटेंट उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में। तो उन्होंने हर फील्ड में अपना बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। जब आप कहीं पढ़ेंगे, सपोज आप पॉलिटिक्स में स्पेशली पढ़ना चाहते हैं पॉलिटिशियन थॉट, स्पेशली उसके साइंटिफिक थॉट या मैथमेटिशियन थॉट, तो आप इसको सेग्रेट करके पढ़ सकते हैं। मेरा जो फोकस है वो उनके फिलोसफिकल थॉट में है। प्री सोक्रेटिक फिलोसफर इसलिए क्योंकि ये सुकरात के पहले के दार्शनिक हैं। इसलिए प्री सोक्रेटिक एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर आते हैं जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताए थे। He is usually considered one of the seven sages or seven wise men of ancient Greece by Plato. Plato के थ्रू इनको 7 बुद्धिमानों में से एक बुद्धिमान की उपाधि दी गई थी। कहा गया था कि वो बुद्धिमानों में से, 7 बुद्धिमानों में से, या जो विद्वान हैं उनमें से एक हैं। Thales was the founder of Miletian school of philosophy. As I said before, कि वो Miletus जगह से थे और इसलिए उन्होंने जिस स्कूल को establish किया उसका नाम पड़ा Miletian school. और इस ये स्कूल ज़्यादातर तीन लोगों पे, मैं ये कहूँगी कि तीन लोग ज़्यादातर जाने जाते हैं इस स्कूल को establish करने के लिए। वो दो लोग कौन थे, his two fellow Miletian who were also engaged to understand the universe were Anaximander and Anaximenes. ये थे वो दो follower और एक थे Thales। इस तरह से Miletian school के context में तीन philosopher का नाम सबसे पहले जाना जाता है। Anaximander was the disciple of Thales and the Anaximenes was the disciple of Anaximander. तो ये एक तरह से एक chain बनी हुई थी गुरु और शिष्य की। दे ऑल वर्कड ऑन सिमिलर प्रॉब्लम, द नेचर ऑफ मैटर एंड द नेचर ऑफ चेंज, बट दे ईच प्रपोज्ड अ डिफरेंट मटेरियल
एज द प्राइमरी प्रिंसिपल। दो कि ये तीनों माइलेशन स्कूल को बिलोंग करते थे, लेकिन हालांकि इनकी प्रॉब्लम भी सेम थी, इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्स के कॉज को या यूनिवर्स को समझाने के लिए या उसको समझने के लिए एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन तीनों ही फिलोसोफर अलग अलग सब्सटेंस को यूनिवर्स का कॉज मानते थे। फॉर एग्जांपल थेल्स मानते थे वाटर को, एनैक्सिमेंडर के अकॉर्डिंग वो इनफाइनाइट सब्सटेंस था और एनैक्सिमिनियस के अकॉर्डिंग वो एयर था। तो इस तरह से जब हम आगे वाली वीडियो में इनकी फिलोसफी पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल मिल जाएगी। अभी मेरा पॉइंट ये है कि तीनों की प्रॉब्लम एक थी, लेकिन उन तीनों ने अलग अलग तरीके से यूनिवर्स के कॉज को समझाने की कोशिश की थी। नाउ रिटन वर्क। डाउट्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टिंग अबाउट वेदर थेल्स रोट एनीथिंग और नॉट। हमेशा ये एक डाउटफुल सब्जेक्ट है कि थेल्स ने अपने लाइफ टाइम में कुछ लिखा या नहीं लिखा। कई लोगों का मानना है कि नहीं, उन्होंने कुछ लिखा था, और कई लोगों का मानना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। सो सम से दैट ही रोट एटलीस्ट टू बुक्स और टू वर्क्स। फर्स्ट वन इज ऑन द सोल्स्टिस एंड द सेकेंड वन इज ऑन द इक्विनॉक्स। अदर से दैट ही लेफ्ट नो राइटिंग बट अ नंबर ऑफ एंशियंट रिपोर्ट्स क्रेडिट हिम विथ राइटिंग। देखिए, कुछ लोग मानते थे कि उन्होंने कम से कम दो बुक तो लिखी हैं जो मैंने आपको अभी नाम बताए, और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन जो आगे के फिलोसोफर थे वो कहीं ना कहीं थेल्स को कोट करते हैं। जब वो थेल्स को कोट करते हैं या वो कहते हैं कि थेल्स ऐसे थे, उन्होंने ऐसे बताया था, तो डेफिनेटली हमें उनके थॉट मिल जाते हैं, किसी ना किसी के थ्रू मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी नाम सुनेंगे कि किसी ने ये कहा थेल्स के बारे में, किसी ने ये कहा, तो आपको काफ़ी नए नाम मिलेंगे। द ग्रीक फिलोसोफर हेरोडोटस टॉक्ड अबाउट थेल्स। देखिए, एक नाम ये है। देन डायोजनीज मेंशन अ पोएट चार्लस हु डिक्लेयर्ड दैट थेल्स वॉज द फर्स्ट टू मेंटेन द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। तो उन्होंने देखिए, एक नाम ये मिला आपको, एक नाम ये मिला, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ फिलोसफर्स के नाम मिलेंगे जो थेल्स को कहीं ना कहीं रेफर करते हैं। इन द एनिमा एरिस्टोटल्स वर्ड फ्रॉम व्हाट इज रिकॉर्डेड अबाउट थेल्स इंडिकेट दैट एरिस्टोटल वाज वर्किंग फ्रॉम अ रिटन सोर्स। द एनिमा इज अ मेजर ट्रीटाइज रिटन बाय एरिस्टोटल व्हिच मींस ऑन द सोल। ये एरिस्टोटल ने लिखी थी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट उनकी ये ट्रीटाइज थी जिसमें उन्होंने थेल्स की थॉट के बारे में शायद लिखा हुआ है। उसी तरह ज़ेनोफेन्स, हेरोडोटस, हेराक्लाइटस एंड डेमोक्रेटिक्स वर फैमिलियर विद द वर्क ऑफ थेल्स। प्रोक्लस एक्नॉलेज थेल्स एज द डिस्कवर ऑफ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक थ्योरम। तो आप देखिए, एक बात यहाँ पे ये उठती है कि जब हम मैथ के फील्ड में देखते हैं तो मैथ के फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है थेल्स का। तो डेफिनेटली जो उन्होंने थ्योरम बताई है वो ऐसे ही तो नहीं बताई होंगी, वो कहीं ड्रॉ की होंगी, लिखी होंगी, तो कुछ तो उनका रिटन कंटेंट होगा ही। नाउ अचीवमेंट। अगेन देयर आर सेवरल अचीवमेंट्स इन द लाइफ टाइम, इन द लाइफ ऑफ थेल्स। आप जब कभी उसको गूगल करेंगे तो आपके पास इतनी सारे उसमें कंटेंट आ जाएगा कि थेल्स ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़े थोड़े पॉइंट में, मेजरली जो पॉइंट है वो बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरी वीडियो का मेन फोकस इन अचीवमेंट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। थेल्स इंट्रोड्यूस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में उन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स इस्टेब्लिश किए जो हम लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाए जाते हैं, और उसके बिना ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। थेल्स टॉट इजिप्शियंस टू मेजर देयर हाइट थ्रू द शेडो ऑफ पिरामिड्स। एपिलियस रोट्स दैट थेल्स डिवाइज अ कैलकुलेशन अबाउट सन
showing how often the sun measures by its own size the circle which it describes. Thales discovered Ursa Minor. Ursa Minor is also known as a little bear, is a constellation in the northern east. इसका मतलब होता है तारा समूह या तारा मंडल. Thales is said to have discovered the season of the year and divided it into 365 days. आप देखिए कि इनके अचीवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आज अपनी डे टू डे लाइफ से इतने फैमिलियर हैं इन सब चीज़ों से. उसकी इन्वेंशन के लिए थेल्स को जाना जाता है. इन्वेंटेड द मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम शोर, किनारे से शिप की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, उसको देखना, ये भी उन्होंने बताया कि कैसे करोगे. अकॉर्डिंग टू सम थेल्स वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर द साइज ऑफ सन टू बी द 720th पार्ट ऑफ द सोलर सर्कल एंड द साइज ऑफ मून टू बी द सेम फ्रैक्शन ऑफ द लूनार सर्कल. तो इस तरह से ये तो बहुत छोटी सी मैंने आपको अचीवमेंट बताई है, वरना उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन. नाउ द मेन कंटेंट दैट इज थेल्स मोनिज्म और थेल्स फिलॉसफी क्या थी, थेल्स ने अपने दार्शनिक विचारों में क्या बताया. थेल्स लिंक्ड साइंस एंड फिलॉसफी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि थेल्स कोई अंधविश्वासी पर्सन नहीं थे, कोई ब्लाइंड फेथ रखने वाले पर्सन नहीं थे. उन्होंने हर चीज़ को साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की है. ही रियली वॉन्टेड टू नो इफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंस कुड बी अप्लाइड प्रैक्टिकली देन व्हाट दे मीन टू द फिजिकल वर्ल्ड. अगर जो हमारे सामने विज्ञान के रूल हैं अगर वो सच में एप्लीकेबल हैं तो वहाँ ये फिजिकल वर्ल्ड में इनका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये उन्होंने समझने की और समझाने की पूरी तरह अपनी कोशिश की है और उन्होंने समझाया भी है, उन्हें सफलता भी मिली है. टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड थेल्स रिसीव द स्टेटस ऑफ फिलोसोफर. इस यूनिवर्स को, इस फिजिकल वर्ल्ड को फिलोसफिकल आस्पेक्ट से समझने के लिए ही उन्हें फिलोसोफर के रूप में जाना जाता है. थेल्स डिड नॉट अटेम्प्ट टू प्रूव हिज थ्योरी बाय मेटाफिजिक्स बट रादर ही रिसोर्टेड टू साइंस टू वैलिडेट हिज थ्योरी. जैसा कि मैंने कहा कि वो साइंटिफिक तरीके से अपनी थ्योरीज को एस्टैब्लिश करते थे. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोनिज्म बट थेल्स फिलोसफी कैन बी क्लासिफाइड एज सब्सटेंस एंड मटेरियलिस्ट मोनिज्म. थेल्स का जो मोनिज्म है, मोनिज्म मीन्स होता है एकत्ववाद या एक तत्ववाद भी हम इसको कह सकते हैं, यानी एक ही तत्व की बात हो रही हो जहाँ पे. तो वो एक ही तत्व जो है वो वाटर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और वो एक पदार्थ है, एक एलिमेंट है, इसलिए इसको सब्सटेंस मोनिज्म या मटेरियलिस्ट मोनिज्म कहा जा सकता है. Substance monism is the idea that everything in the world can be traced back to a single substance. Yani is pure world ko aap ek single substance ke through explain kar sakte hain. According to Thales, the ultimate element of the world is water, which leads to the क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन. इसी से इस यूनिवर्स बना है, क्रिएट हुआ है, डेवलप होता है और डिस्ट्रक्शन के लिए भी वाटर ही रिस्पॉन्सिबल है. ही क्लेम्ड दैट वाटर वॉज द ऑरिजिन ऑफ ऑल थिंग, दैट फ्रॉम विच ऑल थिंग्स इमर्ज एंड टू विच दे रिटर्न, एंड मोर ओवर दैट ऑल थिंग्स अल्टीमेटली आर वाटर. वो कहते हैं इस दुनिया की सारी चीज़ें पानी से ही निकलती हैं और पानी में ही वापस चली जाती हैं. दुनिया में हर एक चीज़ पानी के बिना उसका अस्तित्व संभव ही नहीं है. वाटर गिव्स लाइफ टू एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ वेपर और ड्रॉप, वाष्प और बूंद के रूप में. पानी हर चीज़ को जिंदा करता है, हर चीज़ में जीवन देता है. ऑल द सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड आर वेरिएशन ऑफ द वाटर.
वो कहते हैं इस दुनिया में आप जो भी देख रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो द वेरिएशन ऑफ वाटर, क्योंकि हर एक चीज में वाटर कहीं ना कहीं कंटेन है, इनहेरेंट है. अकॉर्डिंग टू थेल्स द अर्थ फ्लोट्स लाइक अ सर्कुलर प्लेट ऑन वाटर. वो कहते हैं कि ये जो धरती है पानी में एक सर्कुलर प्लेट की तरह तैर रही है, वो तैरती है. दो देयर इज अ डिबेट एज द वेदर थेल्स बिलीव द अर्थ वॉज अ फ्लैट और स्फेरिकल. हालांकि कि अर्थ के शेप को लेके थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि उन्होंने कौन से शेप को ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट किया है, बट ज़्यादातर हम जब पढ़ेंगे तो हमें स्फेरिकल वर्ड अब मिलेगा जिसको थेल्स एक्सेप्ट करते हैं. बट हमारा पॉइंट ये नहीं है कि वो फ्लैट है या स्फेरिकल है. द पॉइंट इज कि जो अर्थ है वो पानी की सतह पे तैरती है. थेल्स वुड हैव कंसीव्ड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ थ्रू हिज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्स. देयर इज नॉट सफिशियंट एविडेंस टू बैकअप दिस क्लेम विद सर्टेनिटी, दो देयर इज नो सर्टेन व्यू अबाउट द शेप. बट स्फेरिकल वर्ड इज consistent with this theory. He explained earthquake by hypothesizing that earth floats on water and that earthquakes occur when the earth is rocked by waves. तो देखिए कितना अच्छा चीज़ है. वो भूकंप को भी explain करते हैं सिर्फ water के base पे. वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो धरती है वो पानी में तैरती रहती है, और जब भी चट्टानों जब लहरें टकराती हैं तो धरती पे जो धक्का लगता है तो वो उस अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, भूकंप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो विदाउट वाटर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड लाइफ इन द वर्ल्ड. वाटर कंटेंट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल दैट थिंग्स मे हैव ऑब्जर्व that the nature of all creature is moist and that warmth itself is generated from moisture and live by it and that from which all thing comes to be is their first principle. ये देखिए इस दो लाइन में कहीं ना कहीं थेल्स की पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है कि वो कहते हैं कि हर चीज़ ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो नर्चर है वो क्या है, वो उसका क्रिएचर कौन है, और जो सारे क्रिएचर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सब मॉइस्ट की वजह से, वाटर की वजह से, उसी की वजह से वो जनरेट होते हैं, उसी की वजह से उन्हें लाइफ मिलती है, और यही फर्स्ट प्रिंसिपल है. वाटर हेल्ड द पोटेंशलिटीज फॉर द नरिशमेंट एंड जनरेशन ऑफ द एंटायर कॉस्मोस. द मोनिज्म ऑफ थेल्स डज नॉट मीन दैट थेल्स did not recognize the existence of other substance. It is important point कि ऐसा नहीं है कि जल के अलावा वो किसी और तत्व को नकार रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जल के अलावा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. What is the main content or main theory of Thales? It means that he held that the primary source of everything was to be found in water. So he is trying to say that the primary element or the foundation of the universe is water. Other things are secondary. According to Thales, there is motion in water. That is why water takes different shape. अब देखते हैं कि पानी में गति है, इसलिए वो कहते हैं कि ना हमें different different shape water के देखने को मिलते हैं. There is moisture in water as a result of which it can be converted into vapor and ice. So in this way, water can be converted into liquid, solid, gaseous substance. ये तो हम देखते ही हैं कि water तीन form ले सकता है, ठीक है, वो तरल भी हो सकता है, liquid हो, solid हो जाता है, जब ice बन जाती है तो solid हो जाता है, और उसके जो gaseous combinations होते हैं तो वो gas के form में भी हमको दिखता है. So we can see all three forms with our eyes. So it is perceivable actually. So Thales' theory is not based on the divine force of the nature. वो कहते हैं कि मैं क्योंकि आप अपनी आँखों से पानी की तीनों फॉर्म देख सकते हैं तो यहाँ पे
किसी ऐसी पावर की जरूरत नहीं है कि हाँ समथिंग इज मिस्टीरियस, समथिंग इज विच इज नॉट परसीवेबल. सो दैट्स वाई हिज थियोरी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी डिवाइन फोर्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमेनिटाइजेशन. ही हैज नॉट गिवन एनी थियोरी अबाउट ह्यूमन बींग. वो ऐसी कोई थियोरी नहीं दे रहे जिसका सेंटर ह्यूमन हो. वो बस इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हिम वाटर इज सेल्फ एग्जिस्टेंट. ही इट कैन बी डिटेक्टेड बाय आर सेंस ऑर्गन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थिस वॉज अ हाइलोजोइस्ट. हाइलोजोइस्ट मीन्स होता है पदार्थवादी, क्योंकि वो एक पदार्थ को पूरे यूनिवर्स को समझाने के लिए बताते हैं. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल थिस बिलीव दैट द सोल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ थिंग दैट इज टू बी फाउंड एवरीवेयर. पदार्थ वो, अब देखो वो कैसे कैसे जो थेल्स हैं वो भौतिक चीज़ों को सोल की थ्योरी से या सोल से कनेक्ट करते हैं. इसको आप थेल्स की सोल थ्योरी भी कह सकते हैं. वो कहते हैं कि हर एक चीज़ में ना सोल की प्रॉपर्टी होती है, सोल होती है. थेल्स वॉज अ हाइलोजिस्ट. हाइलोजिस्ट क्या होते हैं? वन हु थिंक्स दैट मैटर इज अलाइव कंटेनिंग सोल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाइलोजिस्ट वो होते हैं यानी कि जो मैटर को यानी भौतिक तत्वों को भी अलाइव मानते हैं, जीवंत मानते हैं, और वो कहते हैं कि इनके अंदर भी सोल है. अब इसलिए वो कहते हैं थेल्स ऑल्सो एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन द मैग्नेट. इसलिए वो कहते हैं कि चुंबक में भी सोल है. क्यों? क्योंकि मैग्नेट पुल्स द आयरन टूवर्ड्स इट, क्योंकि वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए उसमें भी सोल है. ये फिलॉसफी हो सकता है आप थोड़ा सा इसको डीपली ना समझ पाए, क्योंकि ये देखिए फिलॉसफर जो होते हैं किसी की भी फिलॉसफी, मेरा मानना है कि आप एक लाइन में या एक पैराग्राफ में नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डीप फिलॉसफीज होती हैं. लेकिन द पॉइंट इज हम एक वर्ड को लिटरली नहीं ले सकते हैं. जैसे एक वर्ड है सोल, ठीक है. अब हम आज के टाइम पे सोल का हमारा क्या मतलब होता है? हम सब जानते हैं कि जो जनरल थ्योरी है सोल की वो ये होती है कि हमारे शरीर में एक आत्मा है, उसकी ये क्वालिटीज़ हैं, वो अमर है, वो बॉडी चेंज करती है, ठीक है, वो मरती नहीं है, ये उसकी वो है. लेकिन यहाँ पे देखिए थेल्स का सोल से क्या मतलब है. वो कहते हैं कि ये जो मोशन आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि उसके अंदर एक सोल है, ठीक है. और हर मैटर में सोल है. क्यों? क्योंकि हर मैटर में मोशन है. जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींचती है, सो द प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ मैटर, सो मूवमेंट ऑफ मैटर इंडिकेट्स दैट मैटर कंटेन्ड लाइफ. एंड ये जो फिलॉसफी है ये इसको सोल से कनेक्ट कर देती है. ही सेज दैट अ स्टोन और मैग्नेट और लोडस्टोन हैज़ अ सोल बिकॉज इट कॉजेज मूवमेंट टू आयरन. ये देखिए ये स्टोन और मैग्नेट तो आपको पता ही है. लोडस्टोन एक न्यू वर्ड है आपके लिए, जो आप कभी देखेंगे तो हो सकता है ये वर्ड आपको ऑनलाइन मिले. सो लोडस्टोन इज अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट और अदर नेचुरली मैग्नेटाइज्ड मिनरल एबल टू बी यूज एज अ मैग्नेट. तो एक तरह का एक ऐसा पत्थर ही मान लीजिए जो मैग्नेट की तरह यूज होता है. थेल्स थॉट ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड. यहाँ पे गॉड का मतलब जो गॉड हम लोग जिस तरह से, जैसे मैंने कि पहले बोला कि जैसे कि जो सोल की जनरल थ्योरी है या गॉड की जनरल थ्योरी है, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. यहाँ पे गॉड का मतलब वही है कि जो मूवमेंट ऑफ द मैटर है. तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग सोल और गॉड से भरे हुए हैं, यानी देवताओं से भरे हुए हैं. उसको एक ही अर्थ में यूज किया गया है. विदाउट वाटर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल. दिस इज द जिस्ट ऑफ थेल्स फिलोसफी. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन थेल्स फिलोसफी एंड आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि ग्रीक फिलोसफी में बहुत ज़्यादा कंटेंट हमको अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो ईजिली हमें समझ में नहीं आता. तो इसलिए मैंने ग्रीक फिलोसफी को भी अपनी वीडियो का एक सब्जेक्ट चुना है. और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट एनैक्सिमेंडर. थैंक यू सो मच.